बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबक लाहौर की बादशाह मस्जिद, रीडिंग पेज नंबर 25। इमारत की तामीर में एक ख़ास तनासब मद नज़र रखा गया है। इसका सेहन बहुत कुशादा है, जिसमें 1 लाख से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश है। इसके बरामदे बहुत तवील और हवादार हैं। इनके अंदर अंदरूनी हिस्सों की बनावट ऐसी है के मौज़न की आवाज़ बग़ैर लाउड स्पीकर के बआसानी मस्जिद के हर हिस्से में सुनाई देती है। मस्जिद के सेहन में वज़ू के लिए एक हौज़ बनाया गया है, जिसके इर्द गिर्द सफ़ेद पत्थर इंतहाई गर्मी में भी ठंडा रहता है। यहाँ साफ़ और ताज़ा पानी हर वक्त दस्तयाब रहता है। मस्जिद के एक मखसूस हिस्से में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब मुतबरिक अशिया नहायत अकीदत और एहतराम से रखी गई हैं। इस मस्जिद में सुनहरी हरूफ से मुज़य्यन कुरान मजीद भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। मस्जिद का सदर दरवाज़ा और चारों मीनारों की ऊंचाई इसकी वसत के ऐन मुताबिक है। कोई भी माहिर तालीम आज तक इस इमारत में किसी किस्म का फ़नी या तामीरी नक्श नहीं निकाल सका। बासी मस्जिद का शुमार दुनिया की बेहतरीन तारीखी इमारतों में होता है। अक़वामे मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को ने इसे आलमी विरासत करार दिया है। दूर दराज मुल्कों से लोग ख़ास तौर पर यह मस्जिद देखने के लिए आते हैं। देखने वाले इसकी खूबसूरती से बहुत मुतासिर होते हैं। नमाजों के औक़ात में हज़ारों नमाजी जमा होकर यहाँ अपने रब की इबादत करते हैं। एक इमाम के पीछे नमाजियों का यह इज्तिमा एक रूह परवर नज़ारा पेश करता है। बादशाह मस्जिद को देखने वाला कोई शख्स इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। कई सौ साल गुजरने के बाद आज भी इसकी शान और शौकत उसी तरह बरकरार है। मुश्किल अल्फाज के मानी आप लोगों ने याद करने हैं। 3 सवाल के जवाब की पिक आपको भेज रही हूँ, आपने उसका होमवर्क भी करना है और उनको याद भी करना है। उर्दू बी वाह जमा सफ़ा नंबर 29, फ़कीर फकरा गरीब शख्स इशास शख्स को शहीद शोदा शायर शोरा सामे सामीन शुगल अशगाल सबक असबाब सबब असबाब। आपने इसका होमवर्क करना है और इन्हें याद भी करना है।